78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया। इसके बाद सीएम ने खुली जीप में परेड की सलामी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी दी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार अगले 5 सालों में प्रदेश का बजट दोगुना करने की दिशा में काम कर रही है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों में शामिल है। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश के शिक्षण अधिगम और इंदौर के बायो सीएनजी संयंत्र का विशेष रूप से उल्लेख हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश से संबंधित कई विषयों को शामिल किया गया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री के विचारों से प्रेरणा लेकर 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण मिशन मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस 1 नवंबर से लागू करने जा रही है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 consecutive years। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।